हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी कि मैं अपना वीडियो जो है वो अपलोड रेगुलरली नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आई हैव स्मॉल बेबी तो उसको भी संभालना पड़ता है और मैं चाहती हूँ कि मैं एक परफेक्ट रेसिपी है वो ही मैं अपलोड करूँ। सो थैंक यू वेरी मच आपका सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको कई ऐसी रेसिपीज बताई है जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, नई होती है, बट आज मैंने सोचा कि एक बहुत ही जो यूजुअल सी रेसिपी जो कि हर कोई बनाता है, क्यों ना आज मैं वो ही अपलोड करूँ। और वो रेसिपी मैं आज यहाँ पे लेके आई हूँ और वो है पकोड़े। जी हाँ, पकोड़े हम सब खाते हैं, हम उसको भजिया बोलते हैं। और अब तो मानसून की सीज़न आ रही है तो लोग भजिया खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो चलिए हम उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मगर अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसी कोशिश करती हूँ कि होमली इंग्रेडिएंट्स जो कि इजीली हमें मिल जाए उससे हम टेस्टी से टेस्टी रेसिपी बना सकें। सो चलिए इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला पकौड़ा, और पकौड़े के लिए जो बेसिक इन्ग्रीडियंट्स है वो है बेसन। ये है बारीक बेसन, आपको बारीक बेसन लेना है, मोटा बेसन मत लीजिएगा। पानी जो जितना हम उसमें डालेंगे, 1 कप ये बेसन है। उसके बाद ये ऑनियन, जी हाँ मैं उसमें ऑनियन डालती हूँ, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। एक बड़ा ऑनियन है, उसको मैंने कद्दू क्रश कर लिया है, आप चाहे तो बारीक उसको काट भी सकते हैं। उसके बाद उसमें जो आता है 3 टेबल स्पून, ये है रवा। रवा इसलिए ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो थोड़े से क्रिस्पी बने, क्रिस्पी और सॉफ्ट पकोड़े, हमें ये बहुत ही बढ़िया पकोड़े बनते हैं इसको डालने से। और सोल्ट टू टेस्ट, और ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस पिंच ऑफ थोड़ी सी जो है वो हमें डालना है सोडा बाइकार्ब, पिंच थोड़ी सी, एक पिंच लेके ही डालना है, ज़्यादा उसमें नहीं डालना है। और 1 टीस्पून है लाल मिर्च, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालते हो मत डालिएगा। एंड 1 टीस्पून है वो है हल्दी पाउडर। सो फ्रेंड्स, उसमें ऑयल आता है जो मैंने ऑलरेडी फ्राई करने के लिए, गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है, ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं उसको बनाना। सो बेसन के अंदर हम डाल देंगे ऑनियन, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सोडा बाइकार्ब, और ये जो हमने रवा बोला था मैंने वो है। और सोल्ट, इसको मिक्स कर दीजिए। याद रखिए कि क्योंकि इसमें हमें ऑनियन है, ऑनियन में ऑलरेडी थोड़ा सा पानी होता है, तो हमें उसी हिसाब से जो है वो पानी डालना है। ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते रहिए। और उसको हमें बैटर बनाना है, जो कि हम भजिया या तो पकौड़ा जिसको हम बोलते हैं उसका जो बैटर होता है, ऐसा हमें स्मूथ बैटर बना लेना है। तो हमने ये स्मूथ बैटर बना दिया है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, आप उसमें रवा डाल रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी देर 5 से 10 मिनट उसको रखना है, क्योंकि रवा है वो पानी को सोक करता है। अगर आप ऐसे ही तलेंगे तो हो सकता है कि आपका जो रवा है वो अलग हो जाए, और ठीक से वो जो हम फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट रवा का नहीं आता है। तो रवा को अलाउ करते हम पानी को थोड़ा सा वो सोख लें, ताकि वो अच्छे से इसके अंदर है वो मिक्स हो जाए। अब हम उसको रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारा बैटर रेडी है, मगर एक और चीज़ करनी है। अब हमें सीधा हम उसको तलेंगे नहीं, एक और चीज़ हम उसमें जो है वो डालेंगे। फ्रेंड्स, कई बार मेरे फ्रेंड्स या व्यूअर्स बोलते हैं कि आप जो रेसिपी बनाते हो ऐसी हमसे क्यों नहीं बनती, क्योंकि आप ठीक से परफेक्ट वीडियो नहीं देखते हैं। उसमें कई बार बीच बीच में जो टिप्स होती है वो परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो
अगर आपको बनानी है तो कम से कम नॉट ओनली मी, कोई भी वीडियो जब आप रेसिपी का देखते हैं उसको पूरा देखने देखिए अगर बनानी है तो। अगर सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहे हैं सो यू कैन स्किप। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखिए। सो जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इस गर्म ऑयल में से 2 से 3 चम्मच जो है वो हम इस बैटर जो कि हमने बनाया है पकौड़े का उसमें डालेंगे। गर्म ऑयल डालना है 3 टेबल स्पून और उसको मिक्स कर दीजिए ऐसे। अब हमें जो है वो अब पकोड़े हम उसको इसमें तलेंगे। सो फर्स्ट चेक करते हैं कि ऑयल ठीक से गर्म हुआ है, परफेक्ट है। जी हाँ ठीक से हो चुका है गर्म। जब भी तेल गर्म हो जाए उसको तुरंत ही धीमी आंच पे कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको फ्राई करनी है धीमी आंच पर ही कीजिएगा, अदरवाइज ऊपर से पक जाएंगे या तो जल जाएंगे और अंदर से वो पूरे कच्चे रहेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पकौड़े बनाने। सो आप देख रहे हैं बस ऐसे पकौड़े निकालने हैं, क्योंकि हमने सोडा बाइकार्ब डाला था तो ये सॉफ्ट भी है। आप देख रहे हैं फूल गए हैं और क्रिस्पी भी है, क्योंकि हमने उसमें जो है वो रवा डाला था तो ये सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों होते हैं। इसी तरह से हम सारे हमारे बच्चों बाकी के पकौड़े वो तल लेंगे। सो गाइस रेडी है हमारे गर्मा गर्म पकौड़े। जैसे कि मैंने कहा था कि आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्ट भी इतना है और क्रंची भी, ये देखिए अंदर से भी, और ये जब खाएंगे क्रंची भी इतना है। सो गाइज अगर आपको पसंद आ रहा है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे विथ मी। थैंक यू।